क्रिकेट दुनिया की सबसे मशहूर तीन खेलों में से एक है। क्रिकेट का मैच दो टीम्स के दरमियान खेला जाता है, जिसमें दोनों टीम्स की तरफ से 11-11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। आज के जमाने में क्रिकेट को देखने वालों की तादाद पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। क्रिकेट फैंस की तादाद बढ़ने की वजह से दुनिया के अलग अलग ममालक के क्रिकेट बोर्ड्स ने पहले से भी बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जिनमें 1 लाख से भी ज्यादा तमाशाई एक वक्त में बैठ कर मैच देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 बड़े स्टेडियम्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर 10, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। इंडिया की मशहूर तरीन स्टेट उत्तर प्रदेश में हाल में ही बहुत सी नई और अलग अलग चीजें बनी है, जिसकी वजह से मुल्क भर में इस स्टेट को अब एक अलग नजर से देखा जाता है। इन सब तमीर होने वाली चीजों में एक नाम इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का भी आता है। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में वाकया है, जो 2017 को मुकम्मल हुआ था। कहा जाता है कि इसकी स्पेक्टेटर कैपेसिटी लगभग 50,000 के आसपास है। वैसे तो अभी तक यहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों को क्रिकेट से जितना प्यार है, उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जब कभी यहां कोई मैच होगा तो देखने लायक होगा। नंबर 9, एडिलेड ओवल स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया अपने बनाए गए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम ना सिर्फ देखने में अच्छे होते हैं, बल्कि उनमें एक वक्त के अंदर बहुत ज्यादा लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। एडिलेड ओवल स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में वाकया है, वो भी एक ऐसा ही स्टेडियम है, जिसको सन 1871 को तमीर किया गया था। सुनने में आया है कि एडिलेड ओवल स्टेडियम में यक वक्त 53,583 तमाशाई एक साथ मैच देख सकते हैं, और यहां पहला मैच 1884 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम्स के दरमियान खेला गया था। नंबर 8, डीवाई पाटिल स्टेडियम। नई मुंबई में मौजूद डीवाई पाटिल स्टेडियम इंडिया के सबसे अच्छे स्टेडियम्स में से एक है। 2008 में बने इस स्टेडियम में लगभग 55,000 लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए भी होता है, और उससे भी खास बात यह है कि 2008 और 2010 के आईपीएल फाइनल्स इस स्टेडियम में खेले गए थे। नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस लिस्ट में अगला नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का है। यह स्टेडियम इंडिया के कूची शहर में वाकया है, जिसकी तमीर सन 1996 में हुई थी। इस स्टेडियम में भी लगभग 55,000 क्रिकेट फैंस एक साथ मैच देख सकते हैं, और इस स्टेडियम में भी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल मैचेस भी होते हैं। इस स्टेडियम में पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सन 1998 में खेला गया था, और तब से अब तक कई इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं। नंबर 6, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम भी दुनिया के अच्छे स्टेडियम्स में आता है। यह स्टेडियम 2014 में बनकर तैयार हुआ था, और यहां 55,000 तमाशाई एक साथ मैच देख सकते हैं। केआरएल के एक शहर में मौजूद इस स्टेडियम में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल मैचेस भी होते हैं। यहां पहला मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सन 2017 में खेला गया था। नंबर 5, राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम इंडिया के कुछ गिने चुने स्टेडियम्स में से एक है, जहां पर हर सीरीज का एक आधा मैच जरूर होता है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में मौजूद है, और 2003 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई थी, और इस स्टेडियम की एक खास बात है जो उसे दूसरे स्टेडियम से अलग बनाती है, और वो बात यह है कि इस स्टेडियम में 60,000 लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं, जो कि बहुत कम स्टेडियम्स में होता है। इस स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच सन 2010 में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया था, और अब सालों साल आईपीएल और दूसरे बहुत से मैचेस होते हैं। नंबर 4, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। यह 2008 में बनकर तैयार हुआ था। यह स्टेडियम इंडिया की स्टेट छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में वाकया है, और इस स्टेडियम में 65,000 लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। यह कैपेसिटी इस स्टेडियम को दूसरे स्टेडियम से अलग बनाती है। इस स्टेडियम का इतना शानदार होने के बावजूद भी यहां अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हो सका, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए एक परेशान कुन बात है। नंबर 3, ईडन गार्डन्स।
ईडन गार्डन्स एक ऐसा स्टेडियम है जिसके बारे में शायद हर क्रिकेट फैन जरूर जानता होगा, क्योंकि ये स्टेडियम इंडिया के सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक है और 3 ही मैचेस से भरा हुआ है। ये 1864 में तैयार किया गया था। ये स्टेडियम इंडिया के शहर कोलकाता में मौजूद है, जहां क्रिकेट फैंस हर मैच को एक तरह की एक्साइटमेंट से देखते हैं। इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम में 66,349 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं और यहां पहला मैच सन 1934 को हुआ था और अब लगातार इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं। नंबर 2, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अगर ये कहा जाए तो हरगिज गलत ना होगा कि मेलबर्न का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा स्टेडियम है और ये सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक है। इसकी तमीर 1853 में हुई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक वक्त में एक साथ 1,00,000 से ज्यादा लोग आसानी से मैच देख सकते हैं, जो कि स्टेडियम का खाता बताने के लिए काफी है। और इसमें पहला मैच सन 1876 में खेला गया था। नंबर 1, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया की स्टेट गुजरात के शहर अहमदाबाद में वाकया है। वैसे तो ये स्टेडियम सन 1982 में बना था, पर बाद में इसको दोबारा से तमीर किया गया, जिसकी वजह से तमाशाइयों के लिए बैठने की जगह काफी हद तक बढ़ गई। पहले जहां सिर्फ 49,000 लोग इस स्टेडियम में आ सकते थे, वहां ही अब 1,10,000 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं, जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भी ज्यादा है। और इसको बनाने में कुल खर्चा 700 करोड़ रुपए का आया था।